गार्डन मेज में ओरिजिनल रत्न और उपरत्न खरीदना अब हुआ आसान। पुखराज, नीलम, मानिक मुंगा, गोमेद, हीरा, मोती, लसुनिया आदि की खरीदारी के लिए संपर्क करें। जयपुर जेम्स, मदन मोहन रोड नियर आजाद रोड, डाल्टनगंज। पंडा धर्म रक्षिणी सभा देवघर के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से बाबा वैद्यनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना और जल अर्पण करने की अनुमति देने की दिशा में मुख्यमंत्री से विचार करने का आग्रह किया। पूरी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से कोरोना को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोलने को लेकर सरकार कोरोना से संबंधित सभी बातों का आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। सरकार का फिलहाल पूरा ध्यान कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बंद रहने से पंडा समाज समेत देवघर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंडा समाज को सहयोग करने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा पंडा धर्म रक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, मनोज मिश्रा, मंत्री अरुणानंद झा और कोषाध्यक्ष देवेंद्र खवाड़े मौजूद थे।